बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, कन्वेंशन का असल मकसद तो ये है कि पूरा मुल्क जो है वो महंगाई के चक्कर में फंस चुका है। महंगाई की चक्की ने लोगों को पीस के रख दिया है, ख्वाह दुकानदार है, मजदूर है, किसान है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि महंगाई के नाम आपने वादे तो बड़े बड़े किए थे कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। आपने तो लोगों के घर भी ख़त्म कर दिए और लोगों को बेरोजगार भी कर दिया। तो ये एक मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मिशन लेके जा रही है, एहतजाज करने जा रही है कि भाई ये मुल्क के अंदर जो हो रहा है ये कौम के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब कौम मजीद जो है उसमें सख्त नहीं कि वो महंगाई के चक्की में मजीद पैसे, बिजली के बिल देखे कहाँ जा रहे हैं, गैस के बिल जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत है, इसके लिए हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा सर, आप भी इसी मुल्क के शहरी हैं, आप भी यहीं रखते हैं, उस वक्त भी आप बिजली के बिल देते रहे हैं, उस वक्त भी आप चीनी खरीदते रहे हैं, उस वक्त भी आप सब्जियां खरीदते रहे हैं। ये तो आप बताएं ना, हम क्या बताएं। हम तो वाजह तौर पर कहते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त लोग पुरसकून थे। हमारे धड़कन बाद शरीर तुम्हारा।